अस्सलाम वालेकुम जी। मीरा जी, आप सब खैर करिए से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। ये नहीं काट रही। ओए हाँ जी, अभी जनाब टाइम हुआ है तकरीबन स्वीडन में 7 बजे का, और आप ये देखें मेरे साथ एक दफ़ा फिर मोहित है, और इसके सर पे ये देखें बाल भी कोई नहीं है, टेंड करवा ली है इसने। उसकी भी वजह बताऊंगा कि इसने क्यों टेंड करवाई है। सबसे पहले तो जनाब आपको सबको चांद रात मुबारक, क्योंकि अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि सऊदी अरब में जो है चांद नज़र आ गया है। तो आपको पता ही है कि यूरोप वालों की जो ईद होती है वो सऊदी अरब के साथ ही होती है, तो आज यहाँ पे आखिरी रोज़ा है। अभी तकरीबन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइम है शाम 7 बजे का, और अभी रोज़ा अफ्तारी में तकरीबन 1.5 घंटा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ा तकरीबन कोई पाकिस्तान और इंडिया से ज़रा लंबा होता है। तो अभी तकरीबन तकरीबन 7 बजे 1.5 घंटे का टाइम पड़ा हुआ है ना। अभी जनाब इसी सिलसिले में हम घर से निकले थे, तो हमने कहा जनाब चांद रात जो है जाके बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हम आए थे मोहित लोगों, ताहा लोगों की तरफ। ये आपको जनाब टेंड नज़र आ रही है, माशाल्लाह। मोहित साहब जो हैं जनाब उमरा करके आए हैं, माशाल्लाह। मैंने इन्हें रिसीव कर लिया था उस दिन, लेकिन इनके साथ ज़रा बैठने का टाइम नहीं मिला, और ताहा से भी ज़रा मुलाकात और भाई से भी मुलाकात का टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो चांद रात भी उधर जाके सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ, और जनाब जाके ताहा मोहित और बच्चों को मिलते हैं ना जाके। मैं ताहा को आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो कैमरे के पीछे है। तो ये देखें ताहा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ताहा बहुत बहुत मुबारक हो उमरे की, माशाल्लाह। तो आपकी टिंड वगैरह होगी है तो सबको पता चल जाएगा। हाँ जनाब ताहा जो है उमरा करके आया है जी, माशाल्लाह। बड़े नसीब वाले हैं जनाब, वो कहते हैं कि बड़े नसीब की बात है, बड़े करम के हैं फैसले। तो माशाल्लाह उनको उधर से बुलावा आया था। ये तकरीबन ये उधर तकरीबन 17 डेज रह के आए हो, या कितने दिन रह के आए? 14 डेज जनाब उधर रह के आए हैं, तो अभी तकरीबन 2 दिन पहले वापस आए हैं। तो चलें साथ साथ चांद रात की भी तैयारी करते हैं, और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं आगे क्या करना है। मैंने कहा एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए चांद रात का। ये जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है जनाब, फ्लावर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा। ये जनाब मोहित की वो हीटिंग की पड़ी हुई है, इसे फेंकते हैं पीछे। आप ये देखिए मेरे पीछे देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त ब्लू कलर के जो है वो फ्लावर निकले हुए हैं। और ऐसे ही जैसे ही आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये बड़े फ्लावर्स हैं, ये बड़े प्यारे से येलो कलर के फ्लावर्स निकलेंगे। तो क्योंकि ये वही फ्लावर्स हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे कि वो जो स्पेशल जो स्वीडन के जो ऑफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना, उसके जिसे कहते हैं समर के, वो वाले ये फ्लावर्स हैं। और आप पीछे भी देख रहे होंगे कि हरियाली जनाब होनी शुरू हो गई है। यार कितना ज़बरदस्त इधर से व्यू है ना। ये बेसिकली ये जो ताहा लोगों का घर है ना, थोड़ा सा हाइट पे है ना, पहाड़ की थोड़ी सी हाइट पे है। आपको ये नीचे जनाब देख रहे नज़र आ रहे होंगे, ताहा भी दिखाएगा आपको नीचे करके, सारे नीचे को आपको घर नज़र आते हैं ना, नीचे घर नज़र आते हैं बड़े ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के विले बने हुए हैं। और दूर आपको जनाब वो लेक नज़र आती है, झील कितनी प्यारी। और अगर इमेजिन करें आप यहाँ पे जनाब समर में, अब जो समर जब जो आने वाला है, यहाँ पे आप कुर्सी लगाई हो और वो बैठ के इतना अच्छा व्यू देखे तो क्या मज़ा है, और साथ जो है जनाब बारबेक्यू कर रहे हो तो ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आ जाएगा। और ये आपको दिखाते हैं हमसाए तहा लोगों के जनाब, उन्होंने वो कुत्ते रखे हुए हैं दो, लेकिन उन्होंने अंदर छोड़े हुए हैं, बंद है, तो वो खेल रहे हैं। यहाँ पे बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है ना कुत्ते रखने का, तो लोग कुत्ते रखते हैं जनाब घर में, जनाब कुत्ते रखे हुए हैं मोस्टली यहाँ पे स्वीडन में, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कुत्ते रखने का, बिल्लियाँ रखने का, क्योंकि ये ज़्यादा अपना जो फ्री टाइम होता है स्वीडिश लोग इन्हीं के साथ गुजारते हैं। तो अभी यह मैंने उस वक्त स्नो में भी आपको दिखाया था ये परिंदों का खाना जो है, ये अभी तो ताहा ने रिफिल मेरे ख्याल में वापस आके किया होगा, लेकिन ये ख़त्म हो गया है, सुबह तक फिर कर देगा। और परिंदों की भी आपको आवाज़ आ रही होगी जनाब, छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे परिंदे वो जो बोल रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अभी आवाज़ है, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा दरख्त है, तो वहाँ पे बैठे हैं,
सुबह टाइम, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि सुबह टाइम काफी ज्यादा जो है ना परिंदे बोलते हैं और मजा आता है सुनने का। वही जनाब, मैं आके इधर बैठ गया हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। किसी दिन जैसे मैं आपको पीछे वीडियो में दिखा रहा था कि यहाँ पे लेक नज़र आ रही है, काफ़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत किस्म की। यहाँ सेंद्रत की लेक बड़ी खूबसूरत है, झील जिसे कहते हैं, तो काफ़ी बड़ी है। तो किस दिन स्पेशल उसकी तरफ भी चक्कर लगाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, शायद वहाँ पे जाके बारबेक्यू करें तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो अभी तो तकरीबन अफ्तारी का टाइम कम रह गया, इसलिए हम कहीं बाहर नहीं रिक रहे, तो अभी बस घर में रहते हैं, अफ्तारी करते हैं। तो मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ दोबारा फिर, क्योंकि अभी तहा की तरह पहुंचे थे, तो लेकिन वो तहा कहता है कि चलते हैं जो है ना नीचे नीचे की तरफ, लेक की तरफ चक्कर लगाते हैं। पहले हमारा प्रोग्राम था कि किसी और दिन लगाएंगे, लेकिन अभी अफ्तारी में 1 घंटा है तो हम चलते हैं, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं ना जाके। तकरीबन जी हम पहुंच गए हैं, सामने लेक है, आप भी देखें। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त, कितनी प्यारी लेक है और इतना जबरदस्त किस्म का सुकून है ना इधर, क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा है और परिंदों की थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही है और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो और पीछे इतना पुरसकून किस्म का जनाब पानी और झील है, तो अपना ही नज़ारा है ना इस चीज़ का। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, एंड पे चलते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने ये ट्रैक जो बना हुआ है, जो वुड का लकड़ का जो ट्रैक बना हुआ है, उन्होंने ओपन कर दिया है कि आगे की तरफ भी जा सकते हैं। ये जो आपके इधर नज़र आ रही हैं पड़ी हुई, ये छोटी छोटी जो कश्तियाँ या बोट आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली आप रेंट पे भी ले सकते हैं यहाँ पे समर में आके, और अपनी भी यहाँ पे रख सकते हैं ना। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ज़बरदस्त किस्म की, आपको नज़दीक जाके दिखाते हैं। वो जिसे कहते हैं ना गाड़ी पार्क पे लगाई है, ये पार्किंग पे लगी हुई है, ये इनकी पार्किंग स्पॉट है, ये प्राइवेट है ना इनकी। ये जो नज़दीक नज़दीक लोग रहते हैं ना यहाँ पे, आपको ये जो घर नज़र आ रहे हैं, ये उनकी प्राइवेट स्पॉट है ना, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। वो यहीं पे आते हैं और पार्क करते हैं, पार्किंग से बोट को, कश्ती को निकालते हैं, अंदर चले जाते हैं, ऊपर यहीं पे लगा के अपने घर वापस चले जाते हैं, ये क्योंकि इन्होंने समर एंजॉय करना है, ऐसे ही टाइम गुजारना, तो आ जाए। ये इनकी पार्किंग है जहाँ पे पार्किंग लगाते हैं ना, ये दो लगी भी हुई है, 1 और 2, ये जनाब पार्किंग पे लगी हुई है। क्या जबरदस्त किस्म का नजारा है ना इधर से देखें। आ रहे हैं आगे, इधर से देखें, यहाँ पे पानी है, झील है, और ये सामने जो जहाँ पे आपको सूरज नज़र आ रहा है, ये पहाड़ है ना इधर। अब ये जो सूरज है वो ग्रूब हो रहा है, और आप इमेजिन करें कि यहाँ पे खड़े होके कितना ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा आ रहा होगा, देखें ज़रा सूरज की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे टाइम उस वक्त तक स्पेंड करके जाएंगे जब तक सूरज ग्रूब नहीं ना होता, बस तकरीबन 30-35 मिनट तक जो है ना सूरज ग्रूब हो जाएगा। अभी हम अंदर की तरफ आ गए हैं झील के आगे, तो देखें आप यहाँ इर्द गिर्द का नज़ारा सारा, फिर आपसे बात करते हैं। जबरदस्त A1, अभी थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा मेरा फेस, तो तकरीबन कोई 10-15 दिन और ठहर जाए ना,
यहाँ पे काफी ज्यादा परिंदे झील के अंदर आ जाएंगे ना, जैसे कि बतखें होगी, एक जो बड़ी बड़ी बतख होती है ना वाइट कलर की, वो वाली, क्योंकि अभी उन्होंने अंडे वगैरह दिए हुए हैं और अंडों से बच्चे वगैरह निकलेंगे और वो बच्चों के लेके फिर आएंगी यहाँ पे। आप भी तकरीबन, आपको यहाँ पे इतने ज्यादा लोग या परिंदे वगैरह या नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अभी समर का स्टार्टिंग है। यहाँ पे इतना ज्यादा रश होता है ना, आप देखें इतनी जबरदस्त इसका जो बीच बनी हुई है, किनारे जो है फुली सैंडी जिसे कहते हैं ना वो है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है। 10-15 दिन तक यहाँ पे रश भी होना शुरू हो जाएगा और जनाब परिंदे आना भी शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसके अंदर तैरेंगे, मजे करेंगे, इंसान भी मजे करेंगे, हम भी करेंगे और परिंदे भी करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आखिरी अफ्तारी थी, अफ्तारी कर ली है हमने, तो अफ्तारी की वीडियो नहीं बना सके क्योंकि जब लेक से आए हैं तो फिर उस वक्त टाइम कम था, तो फिर अफ्तारी में बिजी हो गए, तो अभी अफ्तारी करके आए हैं। तो आपको भी दिखाया कि जो है मौसम साफ है, मैं और ताहा अभी खड़े हैं कि शायद हमें चांद नजर आ जाए। ये वही बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं जब पाकिस्तान में होते थे, छोटे छोटे होते थे जनाब, जब पता होता था कि आज 29वां रोज़ है और चांद नज़र आने के चांसेस हैं, तो जनाब अफ्तारी करके सबसे पहले छत पे जाते थे और चांद को तलाश करते थे ना, चांद को देखते थे। वही हम दोबारा मैं और ताहा यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो अभी तक हमें चांद तो नज़र नहीं वो आया मार्स है, बिल्कुल, मार्स है हाँ वो। वो मार्स जो वो सितारे नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें चांद नज़र आ जाए, तो अगर नज़र आ जाता फिर तो मज़ा दुबाला हो जाएगा ना कि हमें चांद इधर स्वीडन में भी नज़र आ गया, लेकिन चांसेस बड़े कम हैं। हमारे सामने जो आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर मतलब मौसम तो साफ है लेकिन सामने पहाड़ है, शायद वो पहाड़ की वजह से भी जो है ना हमें चांद नज़र ना नहीं आए। ये होपफुली अभी तक तो नहीं नज़र आया हमें, लेकिन फिर एक दफ़ा तमाम लोगों को पाकिस्तान में, इंडिया में और जहाँ जहाँ भी चांद नज़र आ गया है, और कल ईद है, सबको चांद रात मुबारक, और ईद मुबारक जो है वो हम कहेंगे कल इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये एक हल्की पुल्की सी वीडियो थी, सिर्फ मैं वो जो अफ्तारी और खाने की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि उतना टाइम नहीं था। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग में मिलते हैं, ईद के व्लॉग में मिलते हैं, तो हमें इजाज़त दें, मुझे और ताहा को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। लाइक आप सब्सक्राइब और रिंगटोन जरूर ऑन करें, क्या को लाजमी पता चल जाएगा कि हमारी नई वीडियो आ गई है। बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि जैसे ताहा ने कहा कि हमारी आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। ऐसे बंद करके